बहुत ही मनहूस दिन है, घटिया दिन भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि आज के दिन मेरे हो चुकी है मौज की लाइव स्ट्रीम बंद। किन किन गलतियों का ध्यान रखना चाहिए लाइव में आते वक्त, क्या क्या हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्यों मेरी लाइव स्ट्रीम बंद हो चुकी है, अब कैसे इसको दोबारा से इनेबल करेंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक कमेंट करते हुए जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। जैसे मैं सुबह जो है लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तो मेरी अचानक से जो है लाइव स्ट्रीम बंद होगी, उसके बाद मुझे जो है नोटिफिकेशन आता है कि योर लाइव स्ट्रीम हैज़ बीन शट डाउन बिकॉज यू हैव वायलेंट कम्युनिटी गाइडलाइंस। उसके बाद यार मेरा अचानक से जो है दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आती है कि यू हैव बीन बैंड फ्रॉम लाइव स्ट्रीम फॉर 7 डेज। ठीक है, थोड़ा सा मुझे हौसला हुआ कि शुक्र है सिर्फ 7 डेज के लिए ही बैन हुई है। कई कई लोगों का यार 1 महीने के लिए भी हो जाती है, कई कई लोगों की आईडी ही परमानेंट जो है बैन हो जाती है, मुड़ के दोबारा आप उसको जो है यूज़ नहीं कर सकोगे। तो इस मामले में मेरी थोड़ी सी किस्मत जो है अच्छी रहेगी कि मुझे जो है 7 डेज की ही कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है स्ट्राइक मिली है। अब बारी आती है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह मेरी जो है लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। सुबह मैं जब लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तो वहाँ पर एक बंदा जो है गाली गलौज देने लग गया। अचानक मुझे भी जो है गुस्से में गाली गलौज निकल गई मेरे मुंह से भी। हो सकता है कि इसी रीज़न की वजह से जो है लाइव स्ट्रीम मेरी जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो है मुझे स्ट्राइक आई है। अब बारी आती है कि इसको इनेबल कैसे करेंगे। जहाँ पर ऊपर साफ साफ लिखा हुआ कि 7 डेज लगेंगे इसको इनेबल करने के लिए, अगर आप लोगों की गलती नहीं है और आप लोगों को स्ट्राइक आ जाती है, बैन हो जाती है, तो आप लोग अपील भी कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप लोगों को मौज प्रोफाइल में जाने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के पास एक नीचे जब स्क्रॉल करेंगे एक ऑप्शन आ जाएगी बॉयलेंस की। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, जहां पर आप लोगों के पास इस ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप लोगों को अपील की ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है, ताकि आप लोग अपील कर सकें। अपील पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप लोगों को राइट करना है नीचे, मतलब कि अपने मन में जो भी इच्छा हो, जो भी मौज वालों को बोलना चाहते हो, जहाँ पर आप लोग टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर देना है आप लोगों को। उसके बाद सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब बारी आती है कि मौज हमारी जो कितने दिनों में सुनेगा। मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मौज वालों ने डिसीज़न लिया भी है कि नहीं लिया, कि वैसे ही जो है 7 दिन बाद मेरी जो है लाइव अपने आप ही ओपन हो गई, क्योंकि 7 दिन तक तो ओपन हो जाएगी। तब तक देखना है मुझे कि मौज एप्लीकेशन क्या उनकी जो है सर्विस काम करती है कि नहीं करती, कि ऐसे लोगों को अपील की ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, सभी कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।